हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता आपके लिए इस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके, क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो पांच रीजंस जिसकी वजह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक एस्पिरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट डरता है और शायद अटेम्प्ट फ्लंग कर जाता है या कोर्स छोड़ देता है, या वो गारंटीड सक्सेस जिसकी उस तलाश में है वो तलाश उसकी पूरी नहीं हो पाती है। तो क्या है वो रीजन, मैं वो आपको वो पांच रीजन बता रहा हूं, और मैं ये पांच रीजन आपको व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और जो इतने सारे स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर किया उससे बता रहा हूं। तो चलिए सीधे वीडियो में चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए, लेट्स स्टार्ट। तो पॉइंट नंबर वन, जो सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये है कि दे ओनली फोकस ऑन वन सब्जेक्ट। हाँ, हमारे बच्चों की एक सबसे बड़ी गलती है, वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप एक टाइम पर एक सब्जेक्ट में फोकस कर रहे हैं तो आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स है ना उनको आप इग्नोर करते हो। जब आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, दूसरे की तरफ जाते हो, फिर दूसरा करते हो, तीसरा करते हो, इतने में जो ब्रेन की रिटेंशन है वो पहला वाला सब्जेक्ट भूलना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी, आप एक भूल जाते हो कि कैसे PSR या कैसे ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, गारंटी का सम कैसे बनता है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाती हैं, सिंगल एंट्री भूल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको कैसे, रेगुलरली रिवाइज करके हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देके। बाकी इसके ऊपर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया नीचे जरूर कमेंट करिएगा, और क्या वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा, मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा इन प्रॉब्लम्स के, कैसे उसको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम इज सेल्फ डाउट। सीए के बच्चों के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है सेल्फ डाउट। वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, चाहे फिर वो कोई टॉपिक से रिलेटेड हो कि उन्हें समझ में आया है कि नहीं, चाहे फिर वो इस चीज से रिलेटेड हो कि वो कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। मेरी एक बात गोल्डन वर्ड्स में याद रखना कि जब भी आप अपने ऊपर डाउट करते हो ना, इट इज 10 times मोर थ्रेटनिंग व्हेन समवन एल्स पुट्स अ डाउट ऑन यू। क्योंकि जब आप खुद पर डाउट कर रहे हो ना तो आपके पास कोई वेपन ही नहीं है, ठीक है, फाइट में उतरने के लिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा वेपन होता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर वही आपके अंदर नहीं है तो आप एक जंग में उतर रहे हो ICI के अगेंस्ट बिना किसी हथियार के, तो हारना निश्चय है। तो सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम है जिसको एलिमिनेट करना है। तीसरी प्रॉब्लम कंपैरिजन। बच्चे अपने आप को दूसरे से बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं कि भैया वो वाला बच्चा एक अटेम्प्ट में निकल गया, मैं क्यों नहीं निकल पाया, मैं तो ज्यादा मेहनत करता हूँ। वो 7 घंटे पढ़ता है, मेरे को भी 7 घंटे पढ़ने चाहिए। वो 10 घंटा पढ़ाई करता है, मेरे को भी 10 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे नहीं होता बेटा, सबके रिटेंशन पावर, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। आप अपने आप को कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते, और स्पेशली इस कोर्स में तो बिल्कुल भी मत करना, वरना आधा से ज्यादा टाइम डिप्रेशन में बितर जाएगा भाई। नेक्स्ट, चौथी प्रॉब्लम, ओनली फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन। कुछ बच्चे होते हैं अलग ही दौड़ में दौड़ रहे होते हैं, उनका सिर्फ फोकस ये होता है कि भाई टीचर ना सिलेबस कंप्लीट करा दे। मतलब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज से कि उस पीरियड के दौरान वो कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। स्पेशली ये इंटरमीडिएट के बच्चों में ज्यादा होता है कि बस टीचर सिलेबस कंप्लीट करा दे, बाकी मैं देख लूंगा। अरे सिलेबस तो टीचर कंप्लीट कराएगा ही, वो तो उसका काम है, बट अगर आपने उस पीरियड में कुछ सीखा नहीं, बस सिलेबस कंप्लीट करने में लगे रहे, तो फिर आप कुछ रिटेन ही नहीं कर पाओगे ना। तो उस 3.5 महीना का पीरियड वॉज अ नील फॉर यू, नो गेन एब्सोल्युटली। तो सिलेबस कंप्लीशन से ज्यादा जो क्वालिटी टीचर प्रोवाइड कर रहा है उस क्वालिटी रिटेंशन पर ध्यान दीजिए रादर देन सिलेबस कंप्लीशन। लास्ट, ओनली फोकस ऑन पासिंग। कुछ बच्चे ना सिर्फ पासिंग पर फोकस करते हैं, हमको बस 200 चाहिए पहले दिन से, हमें बस इस कोर्स में पास होना है, हमें अटेम्प्ट नहीं खाना, बस पास होना है। जब आपका टारगेट ही इतना छोटा रहता है ना, पास होना है, पास होना है, पास होना है, तो उससे दो प्रॉब्लम होती है। अगर आप इस सब्जेक्ट में कोर्स में फेल हो गए ना, आप डिसहार्टन होकर छोड़ देते हो, और क्योंकि आपने पूरी जिंदगी से पास होना पास होना पास होना सोचा है तो आप कुछ सीख भी नहीं पाते। वरना ये कोर्स इतना लवली है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के पहले भी आप इस कोर्स की नॉलेज से पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम द नॉलेज गेन फ्रॉम दिस कोर्स इवन बिफोर दैट आई वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो फोकस आपका लर्निंग पर होना चाहिए रादर देन पासिंग पर। पासिंग तो झक मार के पीछे आएगी यार,
तो पांच प्रॉब्लम्स जो आपको मैंने यहां पर बताई, एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। फोकस ओनली ऑन वन सब्जेक्ट, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, ओनली फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन एंड ओनली फोकस ऑन पासिंग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने भरपूर कमेंट जरूर दीजिएगा कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया तो भी करना, नहीं पसंद आया तो भी करना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी ऑन दिस न्यू चैनल एंड आई लव टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। Let's crack it.